Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all to your maths class. So students, as you know that we have started with the new exercise, that is exercise 9.3 in our previous class. Okay, so jo hamara previous session tha isse pehle, jo kal ka session tha. In that we have discussed about the exercise 9.3 and we have done two sums of division and the multiplication as well. So that how you are going to multiply a decimal number with a number. Okay, how you are going to multiply a decimal number with a non-decimal number. So jisme aapko rupees, kuch rupees and paise ko kisi ek number se multiply karna, two digits multiplication, one digit multiplication, dono thi. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी सम नंबर वन एंड टू के जितने भी बाकी बचे हुए सम से दैट वाज योर होमवर्क एंड इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट आई विल बी देयर फॉर यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस वी विल सॉर्ट इट आउट ओके सो लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 9.3 द क्वेश्चन इज ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो अब हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे ओके सो लेट्स बिगिन विद इट ओके Exercise 9.3, question number 3. The third question is 1 kg of rice cost rupees 42.95. 1 kg rice ki cost kitni hai? 42.95 rupees. How much will 18 kg rice cost? So 18 kg rice ki kitni cost hogi? That we have to find out. So how we are going to find out? Isko hum kaise कैसे ढूंढेंगे इधर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाउ वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 केजी राइस देखिए हमारे पास 1 केजी राइस की कॉस्ट दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 18 केजी ऑफ राइस सो दैट मीन्स इट विल बी मोर अगर एक की है तो अगर 1 केजी राइस की कॉस्ट 42.95 रुपीज है सो दैट मीन्स 18 केजी की उससे ज्यादा होगी सो दैट मीन्स फॉर दैट वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन उसको करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन ओके सो लेट्स बिगिन विद सम नंबर थ्री ओके व्हाट विल बी द स्टेटमेंट जस्ट थिंक देखिए सिंपल देखिए बुक के अकॉर्डिंग 1 केजी ऑफ राइस कॉस्ट सो मतलब 1 केजी राइस की कॉस्ट दी हुई है सो कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस इज इक्वल टू रुपीज 42.95 कॉस्ट ऑफ 18 केजी राइस दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई सो विद दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय मल्टीप्लीकेशन ओके सो लेट्स बिगिन विद सम नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 9.3 Cost of 1 kg rice is equal to rupees. Cost of 1 kg rice is equal to rupees 42.95. Cost of 1 kg rice is equal to 42.95 rupees. हमें फाइंड आउट करनी है 18 केजी की कॉस्ट ऑफ 18 केजी राइस दैट यू हैव टू फाइंड आउट रुपीज 42.95 मल्टीप्लाई बाय 18 दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन सो फाइंड लेट्स फाइंड आउट 42.95 मल्टीप्लाई बाय 18 सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 18 8 5 जा 40 जीरो यहां 4 विल बी हियर 8 9 जा 72 प्लस 4 दैट विल बी 76 7 हियर 8 2 जा 16 16 प्लस 7 23 3 यहां 2 कैरी 8 4s are 32 32 plus 2 34 okay next अब यहां पे जो next step पे हम cross लगाते हैं या blank छोड़ देते हैं 1 5s are 5 1 9s are 9 1 2s are 2 1 4s are 4 now add them 0 0, 6 plus 5, 11, 1 carry, 3 plus 9, 12 plus 1, 13, 4 plus 2, 6 plus 1, that is 7,
3 + 4 = 7. सो द कॉस्ट ऑफ, अच्छा अभी देखिए हमारे पास ये कॉस्ट आई, अमाउंट आई है 77,310. बट अभी ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट था, बट आंसर में हमने कहीं पॉइंट लगाया है? नो. सो दैट मीन्स हमें आंसर में भी पॉइंट लगाना होगा. सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले ये देखिए क्वेश्चन में कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आपको क्या देखना है, दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर पॉइंट. तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, दैट इज 2, 9 and 5, ये दैट मीन्स 2 डिजिट्स हैं. तो यहाँ पे भी आप पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए. सो द आंसर इज 773 rupees and 10 paise. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस. ओके, सो एट लास्ट यू आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस, दैट इज दैट आई एम राइटिंग हियर. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस इज ₹773.10, दैट इज 773 rupees and 10 paise. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस. सो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपको क्या करनी है, पहले आपको सिंपली ये देखना है क्वेश्चन को रीड करते ही कि व्हाट दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस. कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज गिवन, दैट इज 42 rupees and 95 paise. देन कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस दैट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट विद विद मल्टीप्लीकेशन. तो 1 kg की दी है, 18 kg की निकालनी है, तो कम से ज्यादा के निकालते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. ज्यादा से कम की निकालते हैं, वी डू द डिविजन. ओके, सो इसमें देखिए कम है, 1 kg है, 18 की निकालनी, दैट मीन ज्यादा की निकालनी है. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन. सो हमने मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 42 rupees and 95 paise. कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस इज इक्वल टू 42.95 मल्टीप्लाई बाय 18. ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट द आंसर, दैट इज 773, वैसे था 77310. बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखनी है, दैट कि आपके जो पॉइंट है, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चलो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, स्टेटमेंट यू कैन राइट, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज द डेसिमल, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं. डेसिमल या पॉइंट बोथ आर द सेम थिंग. तो डेसिमल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर. ओके, अगर सपोज आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया बट यू फॉरगेट टू पुट द डेसिमल यहाँ पे या कहीं पे भी, देन योर क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड टोटली रॉन्ग. मतलब योर नॉट क्वेश्चन, योर कैलकुलेशन विल बी कंसीडर्ड टोटली रॉन्ग. स्टेटमेंट के मार्क्स मिलेंगे बट कैलकुलेशन के 0 मिलेंगे, चाहे आपका आंसर बिल्कुल सही हो, बिकॉज आप बताना ही भूल गए कि दैट व्हाट इज द पैसे एंड व्हाट इज द रुपीस. बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि 18 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 77,310, इफ यू फॉरगेट टू राइट द डेसिमल, अगर आप डेसिमल पुट करना भूल जाते हो तो. बट अगर डेसिमल पुट करते हो, देखिए आंसर कितना है, 773 rupees and 10 paise. सो डेसिमल डालते हो हमेशा एक बात याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट हैं. इससे मनी चैप्टर में नहीं, ये हमेशा के लिए बता रही हूं कि अगर आप मल्टीप्लाई करते एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर, मतलब एक में पॉइंट है और एक में नहीं है पॉइंट, अगर उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो डेसिमल वाला नंबर है उसमें उस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं. तो देखिए डिजिट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2. सो हम आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. सो द आंसर इज कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस इज 773 rupees and 10 paise. ओके, सो दिस इज द आंसर. चलिए मूविंग नेक्स्ट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड, सो दैट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट दैट विल बी क्लियर. मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 4. 1 packet ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कॉस्ट ₹131.20. सो एक पैकेट जो कॉर्नफ्लेक्स के उसका कॉस्ट कितनी है, 131 rupees and 20 paise. राजू बॉट 7 packets ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, तो राजू ने 7 packets खरीदे हैं कॉर्नफ्लेक्स के. हाउ मच डिड ही पे टू द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को उसको कितने पैसे देने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. ओके, लेट मी रेज इट फर्स्ट. बिल्कुल सिंपल इसी की तरह बेटा एज इट इज.
क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, पैकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कॉस्ट रुपीज 121.20. सो वन पैकेट जो कॉर्नफ्लेक्स की कॉस्ट कितनी है, 131 रुपीज एंड 20 पैसे. सो लिखिए कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स इज इक्वल टू रुपीज 131.20. मैंने नीचे लिखा है, आप उसके सामने लिखिएगा 0.20. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ निकालनी कितने की है, 7. कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. 7 पैकेट्स की कितनी कॉस्ट होगी वो हम कैसे पता करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग रुपीज 131 रुपीज 20 पैसे विद 7. 131 रुपीज 20 पैसे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी. इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी साइड में करूंगी ताकि मेरे पास बाद में सॉल्यूशन सेंटेंस लिखने के लिए स्पेस बची रहे. सो 131 रुपीज एंड 20 पैसे मल्टीप्लाई बाय 7. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 7 0s are 0, 7 2s are 14, 4 यहां, 1 विल बी कैरीड हियर. 7 1s are 7 प्लस 1 दैट इज 8. 7 3s are 21, 1 यहां पे आएगा, 2 विल बी कैरीड हियर. 7 1s are 7 प्लस 2 9. अब तो ये हमारा आंसर आ गया. बट अभी जो मेन चीज है इसमें जो हमें निकाली, व्हाट इज दैट, दैट इज दैट वेयर वी हैव टू पुट द डेसिमल, कि हमें डेसिमल या पॉइंट कहां लगाना है. दिस इज द मेन कंसर्न है. सो देखिए, इन द क्वेश्चन वी आर हैविंग डेसिमल टू डिजिट, मतलब डेसिमल इन द इक्वेशन वी आर हैविंग टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो दैट मीन्स यहां पे भी हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के वी गोना पुट अ डेसिमल है, वी गोना पुट अ पॉइंट. डेसिमल पॉइंट दोनों एक ही बात होती है, इसको डेसिमल भी बोला जाता है. जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 5 में भी, तो आपको वहां पे डेसिमल होगा, पॉइंट नहीं होगा, दैट विल बी डेसिमल. ओके, तो अभी कॉस्ट कितनी हो गई, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स इज 918 रुपीज एंड 40 पैसे. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस. ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्न फ्लेक्स इज रुपीज 918.40 या फिर 918 रुपीज एंड 40 पैसे. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. ओके, सो देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट दी हुई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स दैट इज रुपीज 131 रुपीज एंड 20 पैसे. कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स जो कि हमें निकालनी है, हमें 7 पैकेट्स की कॉस्ट निकालनी है, 1 की हमारे पास ऑलरेडी है. ओके, सो वो हमने कैसे निकाले, बाय मल्टीप्लाइंग. सो बाय मल्टीप्लाइंग 131.20 विद 7 वी गॉट द आंसर, दैट इज 918.40. बस एक चीज याद रखना जो कि मैं आपको पहले काफी देर से आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जस्ट इन केस यू डोंट फॉरगेट बेटा, दैट डोंट फॉरगेट टू राइट पुट द डेसिमल, डोंट फॉरगेट टू पुट द पॉइंट. अगर पॉइंट नहीं लिखोगे तो योर क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड टोटली रॉन्ग, योर कैलकुलेशन विल बी कंसीडर्ड टोटली रॉन्ग. सो डोंट फॉरगेट टू राइट द डेसिमल. ओके, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया, बिल्कुल एज इट इज उसी की जैसे है. ओके,
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.3. सो बेटा यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हेयर एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन. ओके चलिए मूविंग नेक्स्ट टू फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज जगजीत बॉट टू पेयर्स ऑफ जीन्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 250.50. थ्री शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 176 रुपीज एंड 25 पैसे. ही पेड रुपीज 1100 टू द शॉपकीपर. व्हाट बैलेंस विल ही गेट. तो हमें बताना है वो किसको कितना बैलेंस मिलेगा. अब देखिए जिसमें आपने जैसे आपने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सम्स किए थे बिल्कुल वैसे ही ये मल्टीप्लीकेशन का सम है बेटा. देखिए यहाँ पे उसने उन्हें बताया कि देयर इज अ बॉय हुज नेम इज जगजीत. उसने एक दो जीन्स खरीदी है. हैज परचेस्ड टू पेयर्स ऑफ जीन्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन जीन्स इज 250 रुपीज एंड 50 पैसे. अगर एक जीन्स की कॉस्ट 250 रुपीज एंड 50 पैसे है तो टू जीन्स की कितनी होगी वो हम निकालेंगे. देन उसने थ्री शर्ट्स भी खरीदी हैं और एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है 176 रुपीज एंड 25 पैसे. सो द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद थ्री. नेक्स्ट हमारे पास टू पेयर्स ऑफ जीन्स की कॉस्ट आ गई, थ्री शर्ट्स की कॉस्ट आ गई. तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बोथ ऑफ जीन्स एंड द शर्ट. ओके बट क्वेश्चन इज कि उसके बाद द जगजीत हैज गिवन रुपीज 1100 टू द शॉपकीपर. द जगजीत है, ही हैज गिवन 1100 रुपीज टू द शॉपकीपर. उसने 1100 रुपीज दिए शॉपकीपर को. ओके नाउ वी हैव टू आंसर दैट हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक. हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक. ठीक है, उसने जो 1100 रुपीज दिए शॉपकीपर को तो जो शॉपकीपर है उसको कितने पैसे रिटर्न करेगा आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स दैट ही हैज परचेस्ड. ओके सो लेट्स फाइंड आउट दिस. थोड़ा सा लेंथी होगा सम बट कैलकुलेशन है थोड़ी. ओके जस्ट बी पेशेंट एंड इट विल बी एज यू नो द बोर्ड इज लिटिल बिट स्मॉल देन द स्कूल बोर्ड. सो इट विल आई विल डू द वर्क इन द पोर्शन. सो जस्ट pause the video whenever the question is completed. Just pause the video here, write the answers and then you can again play the video. Okay? Chaliye. The next one is question number 5. Question number 5 is, dekhiye Jagjeet has purchased, bought two pairs of jeans. So, cost of one jeans is equal to rupees 250.50. But उसने खरीदी कितनी जीन्स थी? टू. cost of two jeans. Cost of two jeans कितनी है? We are going to find out by this multiplying rupees 250.50 multiply by 2. So let's multiply it. Okay, let me get the chalk. Okay. So 250.50 multiply by 2. 2 zeros are 0, 2 fives are 10, 2 zeros are 0 plus 1 is 1, 2 fives are 10, 2 twos are 4 plus 1, 5. That is 50,100. But we have to put the decimal also. So here we are having two digits after the decimal. So we are going to put a point here. यहाँ पे दो डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया तो आंसर कितना आया? रुपीज 501 रुपीज. कॉस्ट ऑफ टू जीन्स इज 501 रुपीज. ओके सो कॉस्ट कितनी आ गई टू जीन्स की? दैट इज 501. ठीक है, अगर आपके पॉइंट के बाद दो जीरो है तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द वैल्यू. Okay, so the cost of two pairs of jeans is 501.
ओके तो अभी हमारी जीन्स की कॉस्ट आई है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स. सो लेट्स राइट डाउन कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू रुपीज 176.25. ओके कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स इज इक्वल टू रुपीज 176.25 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके 176.25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 3 पेयर्स ऑफ शर्ट, 3 शर्ट्स की. ओके सो देखिए अभी तक हमने 2 पेयर्स ऑफ जीन्स की कॉस्ट निकाली, दैट इज 501 रुपीज. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ शर्ट्स, सॉरी 3 शर्ट्स, नॉट 3 पेयर्स ऑफ शर्ट, 3 शर्ट्स. सो वो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 176 विद 3. तो ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. सो अभी देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, दैट आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. द कॉस्ट ऑफ वन जीन्स वॉज गिवन, दैट वॉज रुपीज 250.50. देन कॉस्ट ऑफ टू जीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड देन वी हैव फाइंड आउट ऑलरेडी बाय मल्टीप्लाइंग 250.50 विद 2. वी गॉट द आंसर दैट इज रुपीज 501. सो द कॉस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स इज 501 रुपीज. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वन शर्ट हमारे पास दी हुई थी, दैट इज 176.25. बट वी हैव दैट हियर दैट ए पर्सन हैज परचेज 3 शर्ट्स, उसने 3 शर्ट्स खरीदी थी. सो कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स इज इक्वल टू 176.25 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसको मल्टीप्लाई करके उसकी 3 शर्ट्स की कॉस्ट निकालेंगे. ओके सो आई जस्ट पॉज, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर. ओके रेस्ट ऑफ द सम आई एम गोइंग टू डू आफ्टर रेजिंग इट. ओके तो अब देखिए याद रखिए हमें मल्टीप्लीकेशन करके निकालनी है 3 शर्ट्स की कॉस्ट. ओके तो हम वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 176.25 विद 3. अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ओके सो 3 फाइव्स आर 15, 3 टूज आर 6 प्लस 1 7, 3 सिक्स आर 18, 1 हियर 18, 1 विल बी कैरी हियर, 3 सेवन्स आर 21 प्लस 2 22, 3 वन्स आर 3 प्लस 2 दैट इज 5. ओके द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द पॉइंट, दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो कॉस्ट इज रुपीज 528.75. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, 528.75. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, ये हमारे 3 शर्ट्स की कॉस्ट आई है. ओके सो हमने सबसे पहले जीन्स की कॉस्ट फाइंड आउट की थी बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स विद 2. देन वी हैव फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग 176.25 विद 3. The cost is rupees 528.75. Okay, so अब हमें cost jeans की और shirt की दोनों की total cost कितनी हुई, let's write down. Total cost of jeans and shirt. टोटल कॉस्ट कितनी हुई जीन्स और शर्ट्स की, जीन्स की कॉस्ट थी रुपीज 501 एंड शर्ट की कॉस्ट है 528.75. लेट्स ऐड देम, 0 प्लस 5 इज 5, 0 प्लस 7 इज 7, 1 प्लस 8 इज 9, 0 प्लस 2 इज 2, 5 प्लस 5 इज 10 रुपीज. सो द कॉस्ट ऑफ बोथ जीन्स एंड शर्ट इज 1029.75.
सो दैट मीन्स जो उसके अगर जो दूसरे टोटल जो जीन्स और शर्ट जो दोनों खरीदी उसके लिए उसको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, 1029 रुपीज एंड 75 पैसे। ओके, ये हमने कैसे निकाला, बाय मल्टीप्लाई एडिंग द कॉस्ट ऑफ जीन्स एंड शर्ट। देखिए पहले हमने जीन्स की कॉस्ट निकाली, जो दो जीन्स की एक की दी थी हमने दो की निकाली, दैट इज 501 रुपीज। देन द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट वॉज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स, दैट वी हैव फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट विथ थ्री, दैट इज 528 रुपीज एंड 75 पैसे, दैट इज रिटन हियर। अब शर्ट की कॉस्ट निकाली, जीन्स की कॉस्ट निकाली, अब जब हम शॉपकीपर से लेते हैं, अंकल एक चिप्स का पैकेट दे दीजिए, एक चॉकलेट दे दीजिए, तो क्या कहते हैं इसके पैसे अलग देंगे, उसके पैसे अलग देंगे? नो, क्या करते हैं शॉपकीपर अंकल, वो दोनों के टोटल बता देते हैं कि 20 रुपीज का आपका चिप्स का पैकेट था, 10 रुपीज की आपकी चॉकलेट थी, दैट मीन्स यू हैव टू पे मी द रुपीज 30। ओके, तो आपको 30 रुपीज देने। तो वैसे ही इसमें शर्ट की और जीन्स की कॉस्ट को इकट्ठा ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 1029 रुपीज एंड 75 पैसे। बट उसके बाद आपने क्या किया, जब हम उसकी चॉकलेट वाली बात करें तो आपकी 30 रुपीज का सामान था, बट आपने अंकल को 50 रुपीज का नोट दे दिया, तो आपको अंकल कितने पैसे वापस देंगे, 50 माइनस 30 इज 20। तो वैसे ही ये 1029 रुपीज 75 पैसे की उसकी जीन्स एंड शर्ट थी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोथ जीन्स एंड शर्ट, बट ही हैज गिवन ₹1100 टू द शॉपकीपर। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट बैलेंस विल ही गेट बैक, कितना बैलेंस उसको वापस मिलेगा। ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड राइट इट डाउन। ओके, अब इसको थर्ड स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे सब। ओके, 1000, ओके लेट मी राइट इट, 1029 रुपीज एंड 75 पैसे। ओके, सो मनी गिवन to shopkeeper, money given to shopkeeper is equal to ₹1100. He has given ₹1100 to the shopkeeper. Now balance he get back. Balance he get back is equal to ₹1100 minus ₹1029.75, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस। ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। देखिए यहां से सीधा लेंगे, इट विल बिकम 0 एंड विल बिकम 10 एंड देन इट विल बिकम 9, सेम ये भी 9 हो जाएगा आफ्टर गिविंग 1, इट विल बी 9 आफ्टर गिविंग 2 10। सो दिस इज द सिंपल सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको सब्ट्रैक्शन करनी और कुछ नहीं करना है बेटा इसमें। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, पॉइंट उसी के नीचे आ जाएगा, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो द आंसर इज 70 रुपीज एंड 25 पैसे। सो देयर फोर हु हैज बॉट, देयर फोर जगजीत विल गेट रुपीज 75.25, that is 70 रुपीज एंड 25 पैसे। सो दिस इज द बैलेंस दैट जीत विल गेट बैक। ओके, सो देखिए मनीष ने शॉपकीपर को दी थी 1100 और उसमें से उसमें 1029 रुपीज 75 पैसे की उसने कपड़े खरीदे थे, तो जो शॉपकीपर ने जो बचे हुए पैसे उसको वापस दिए वो कितने दिए, दैट इज 70 रुपीज एंड 25 पैसे, दैट वी हैव कैलकुलेटेड by subtracting the money given to the shopkeeper, okay? Sorry, by subtracting the cost of the clothes from the total money given to the shopkeeper. And we got the answer, that is 70 rupees and 25 paise. And here I have written the solution sentence, that is Jagjeet will get rupees 70.25.
या जगजीत विल गेट द बैलेंस, जो मर्जी आपकी जो मना है आपके लिख सकते हैं, जगजीत विल गेट द बैलेंस ऑफ रुपीज 70.25. दिस इज अप टू यू, वट एवर सोल्यूशन सेंटेंस यू कैन राइट, यू वॉन्ट टू राइट यू कैन. ओके, सो दिस वॉज अवर टूडे सेशन क्लास, एंड विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग टूडे सेशन हियर ओनली, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन एवरीबॉडी हैव अ गुड डे.